नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। और ये पेपर कॉमन पेपर है आईडी, एचआई और वीआई के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एमडी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये कॉमन पेपर ही है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको मैं आपको कवर करा दूंगा, और उसके बाद में एक आपकी मैराथन क्लास कवर करा दी जाएगी। और अगर समय मिलता है तो यूनिट 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 करके, यानी कि एक यूनिट एक दिन में, दूसरा यूनिट दूसरे दिन में, तीसरा यूनिट तीसरे दिन में, और चौथा और पाँचवा यूनिट, इस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर उनको सॉल्व करा दिया जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कंटेंट उपलब्ध करा सकता हूँ कम समय में, उतना कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा आपके एग्जाम ट्रिकी परिवार में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, यूनिट 2.5 में आप दो चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज आप देखते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी को, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, बहुविकलांगता, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। और इसी में आपका एक दूसरा टॉपिक आता है डिफ ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बधिरांधता। तो बहुविकलांगता की दोस्तों पिछले बार वीडियो अपलोड की गई थी, फिर से मैं कर दूंगा। और ये दोनों टॉपिक स्टार बना करके बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हैं। एक आपका बहुविकलांगता क्या है, एक आपका बधिरांधता क्या है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका बधिरांधता क्या है या डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। अब यहां पर आप देखिए, हम लोग जब बधिरांधता की बात करते हैं तो दो शब्द आते हैं यहां पर, एक आपका आता है बधिर, ठीक है, और दूसरा आपका आता है अंधता, ठीक है, एक आपका आता है कह सकते हैं कि डेफ, ठीक है, और दूसरा आपका ब्लाइंड, ठीक है। तो ये दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं। बधिर आप सभी को पता है कि भैया ऐसे व्यक्ति जिनको सुनने में समस्या, और अंधता ऐसे व्यक्ति जिनको देखने में समस्या। और भैया जब सुनने और देखने में समस्या होगी तो आप सभी को पता है, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो कम्युनिकेशन करने में समस्या होगी, ठीक है, आसानी से जो सूचनाएं एक दूसरे को व्यक्त करनी है उसमें समस्या हो गई भैया, कहीं पर आएंगे जाएंगे उसमें भी समस्या होगी, भाई सही से दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है तो समस्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनमें संयुक्त रूप से दृष्टि और आपका श्रवण क्षति ये देखने को मिलती है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, बधिरांध व्यक्ति कहते हैं, बधिरांधता वाले व्यक्ति कहते हैं। ये तो हमने अपने इन शब्दों से व्यक्त किया। अब हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है बधिरांधता। शब्दों से मैंने आपको समझा दिया और आप लोग समझ गए डेफ ब्लाइंडनेस क्या होता है। देखते हैं, बधिरांधता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सुनने और देखने में गंभीर हानि होती है। आप लोग देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि उनको देखना भी थोड़ा कम हो जाता है, और इस साथ ही साथ उनका सुनने में भी समस्या होते हैं। देखने को मिलता होगा भैया दादी हुई आपकी या बाबा हुए, तो देखने को मिलता होगा। तो जब सुनने में समस्या होती है तो कान के पीछे हाथ लगा के सुनते हैं, या सुनने में बहुत ऊँचा सुनते हैं। तो जिनमें दोनों समस्याएं देखने को मिलती हैं, यानी कि देखने में भी समस्या और सुनने में भी समस्या, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, बधिरांध व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, कभी कभी क्या होती है, बधिरांधता बहुत हल्की होती है, यानी कि माइल्ड लेवल की होती है, तो कभी कभी क्या होती है बहुत ही मॉडरेट लेवल की होती है। यहां पर उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जा सकता है, या सुनने में जो कह सकते हैं क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है,
इससे मैंने आपको बताया चलने में समस्या, गतिशीलता की समस्या, सूचना पहुंचाने की समस्या और दैनिक जीवन में क्रियाकलाप को करने की और कार्य को करने की समस्या और चुनौतियां देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें परिभाषा की, तो अगर हम बात करें US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इन्होंने क्या कहा बधिरांधता के बारे में। हम बात करेंगे US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की और एक आपसे फुल फॉर्म भी यहाँ पर हम पूछेंगे और आप सभी को उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बधिरांधता का मतलब सहवर्तित श्रवण व दृष्टि क्षमता से है, ठीक है। दृष्टि अक्षमता यानी कि श्रवण सुनने की अक्षमता और दृष्टि अक्षमता से बधिरांधता का मतलब है, जिसके एक साथ होने से ऐसी संप्रेषण व अन्य विकासात्मक या शैक्षिक जरूरतें गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं, ना कि वह ना तो बधिर बच्चों को विशेष शिक्षा के कार्यक्रम के साथ ही, ना दृष्टिहीन बच्चों के विशेष शिक्षा के कार्यक्रम के साथ ही पूर्ण रूप से तरह से उसको समायोजित किया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि या कोई बच्चा हुआ या कोई जो भी कोई शिक्षा कार्यक्रम बच्चों के लिए कराया जाएगा तो उन्हें उन कार्यक्रम में हम समायोजित कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उनको हम समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि उनको देखने में थोड़ी सी समस्या और उनको सुनने में भी थोड़ी सी समस्या, तो उनको हम जैसे भी वो सीखना चाहेंगे, समायोजन करना चाहेंगे, उनको हम समायोजन करा सकते हैं। भाई ब्रेल लिपि भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को हम उपकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं, भाई सुनने में समस्या है तो उनको हम उपकरण भी दे सकते हैं जिससे कि उनको अच्छा सा सुनाई देने लगेगा, ठीक है। हेयरिंग एड लगवा सकते हैं बच्चों को, ऐसे ही अगर देखने में समस्या है तो उनको कॉन्टैक्ट लेंसों का उपयोग कर सकते हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं शैक्षिक रूप में शिक्षा में उनको हम शामिल कर सकते हैं और उनका समायोजन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कारण क्या होते हैं, आखिरकार कारण क्या क्या होते हैं कि देखने को हमको मिलती है यह बधिरांधता, तो कुछ जन्मजात कारण होते हैं, जैसे हमको जो चीज़ें हमको हेरिडिटी से मिलती हैं, अनुवांशिक मिलती हैं, या गर्भ के दौरान संक्रमण हो जाने से, या अन्य विकास संबंधी समस्याओं के कारण सुनने व और दृष्टिहीन दोनों हानियां पैदा हो सकती हैं। और भी काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जहां पर सुनने में और देखने में समस्या हो सकती है। अधिग्रहित, इसमें बहरापन अधिग्रहित स्थितियों जैसे उम्र के साथ में बढ़ना, चोट लगना, बीमारी के कारण, दुर्घटना के कारण, जैसे अब देखते हैं हम लोग हमारे जो आसपास के दादी या बाबा होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, या कभी कभी हो सकता है चोट लग जाती है, बीमारी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, या उनकी बढ़ती उम्र के कारण, तो ये दोनों कारण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि जन्म के समय भी कुछ ऐसे कारण हैं और कुछ समय बाद में भी, कुछ उम्र ढलने के बाद में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करते हैं कि शिशुओं में किस प्रकार से, तो शिशुओं में जब देखने को मिलता है तो वो तेज आवाज़ में प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। बच्चा तेज आवाज़ को सुनेगा, ठीक है, और जब प्रतिक्रिया देगा, कोई बच्चा लगातार तेज आवाज़ पर प्रतिक्रिया करते समय विफल हो रहा है तो सुनने में हानि का संकेत हो सकता है। यानी कि बहुत तेज सुन रहा है तो भी नहीं सुन पा रहा है, बहुत धीमे सुन रहा है तब भी नहीं सुन पा रहा है, जो एक फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में अगर वो सुन रहा है तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको सुनने में समस्या है तो यहाँ पर उसको बधिरांधता या कह सकते हैं कि उसको बधिर बच्चा कह सकते हैं और देखने में भी समस्या हो सकती है, ठीक है। विलंबित या अनुपस्थिति बड़बड़ाना, कह रहा है आमतौर पर शिशु 6 महीने की उम्र में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, बबलिंग करना शुरू कर देते हैं, बा बा मा मा करना शुरू कर देते हैं। यदि बच्चे में बड़बड़ाने या बोलने का कोई भी लक्षण नहीं दिखता है तो बहरेपन का संकेत हो सकता है। यानी कि अगर बच्चा बबलिंग नहीं कर रहा है या देर से कर रहा है तो हो सकता है कि बहरेपन का संकेत हो, ठीक है। चैनल पर दोस्तों पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जब जाएंगे तो आप सर्च कर लिया कीजिए एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, लगभग में 9K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 9000 का परिवार आपको आपके उस ग्रुप में देखने को मिलेगा और लोगो आपका एग्जाम ट्रिकी का ये देखने को मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका
जो कारण देखने को मिलता है, सीमित क्षेत्र संपर्क और ट्रैकिंग। क्या है इसमें? शिशुओं को कुछ महीने की उम्र से ही आँखों से संपर्क बनाना और उनकी आँखों में वस्तुओं को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आँखों से ही आँखों में बात करना, शिशु संपर्क बनाना शुरू कर देते हैं और आँखों से वस्तुओं को देखना भी, ट्रैक करना भी शुरू कर देते हैं। यदि कोई बच्चा आँखों से सतर्क नहीं रहता है तो उसमें देखने संबंधित यानी कि दृष्टिहान का संकेत हो सकता है। भाषा और भाषण संबंधी देरी, देखिए भाषा और भाषण, बच्चा सुनेगा नहीं तो बच्चा बोलेगा नहीं, बच्चा देखेगा नहीं तो बच्चा प्रतिक्रिया नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या है, बच्चा स्पीच और बच्चे की लैंग्वेज, ये दोनों चीज़ें जो हैं उसके विकास में देरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कठिनाई अनुभव बच्चा करेगा। नेक्स्ट आपका है बार बार कान में संक्रमण या कान का बहना। तो अगर बार बार बच्चे के कान में संक्रमण हो रहा है या बार बार कान बच्चे का बह रहा है तो हो सकता है कि उस संक्रमण से बच्चे का जो श्रवण क्षति है वो हो जाए, और इसके लिए हमें बच्चे की बार बार निगरानी कराने की आवश्यकता भी होगी। मोटर विकास में देरी, यानी कि अगर बच्चा बधिरांधता से पीड़ित है तो दोनों संवेदी विकारों में उत्पन्न चुनौतियों के कारण मोटर विकास में भी देरी देखने को मिल सकती है। बच्चा रेंगेगा, बैठेगा, बच्चे के चलने में भी देरी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से दृश्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया का अभाव, यानी कि बच्चा देख रहा है और प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, बच्चा सुन रहा है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों में भी चमकदार रोशनी है, वस्तुएं हैं और फिर भी बच्चा प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, बार बार उसकी टार्च के सामने, उसके आंखों के सामने टार्च को जला रहे हैं, बच्चा फिर भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, तो अगर इसमें भी कमी देखने को मिलती है तब भी बच्चे में दृष्टिहानि का संकेत हो सकता है। तो ये संकेत देखने को मिलते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं बच्चे में, ठीक है। ये जो टॉपिक था आपका बधिरांधता, ये समाप्त होता है। कैसा लगा दोस्तों, आपको समझ में आया या नहीं आया जरूर बताइएगा आपके अपने परिवार एग्जाम ट्रिकी में कमेंट सेक्शन में जाकर के, और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार, और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना आपका उत्तरदायित्व तो बनता है। बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा एग्जाम ट्रिकी परिवार में। धन्यवाद दोस्तों।